अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू घरेलू पकवान। आज हम बनाने जा रहे हैं भाजी का अचार। उसके लिए चुड़ी की भाजी, ये चुड़ी की भाजी है, ये सोई की भाजी और ये माटकी भाजी, ये माटकी भाजी, ये तीन भाजी भी तुअर की दाल में डाल को मैं चार बना रही हूँ आज। चार को मैं पानी रख डाली हूँ, चार गिलास पानी रखा हूँ मैं शक्ल में, वो गर्म हो रहा है। मैं 125 ग्राम तुअर की दाल धोको एक आधा घंटा वाले भिगने डाली थी, ये भी उसमें डाल दी। पानी अच्छा उठ गए, अब इसमें मैं तुअर की दाल डाल रही। तुअर की दाल आधी गली तो उसमें भाजी दाल को गलने देंगे। दाल आधी गल गई है, देखे ऐसा कहते हो, जरा फुटकी है दाल तब भाजी डालना, देखे ऐसा फुट जाती है। तब भाजी डाल तो सारी रहती है, भाजी में दाल फुटकर ही तो भी। मैं ये दाल का पानी चले को अमली हंदरी भिगने दाल को हूँ, इसमें कच पानी दाल को चार के वास्ते। दो कट्टे चुड़ी की भाजी है, दो कट्टे क्लीन करको छुड़ा को धो को, मट की चुड़ी की सुइंग की तीन भाजी भी दाल को चार बन रहा है। चुड़ी की भाजी दो कट्टे ली, मट की भाजी एक कट्टा, सुइंग की भाजी एक कट्टा, दाल को चार बन रहा है। चार बहुत अच्छा होता है मिक्स भाजी दाल को बनाए तो, मिलोनी भाजी का चार बोलती हूँ। ये जरा पक्को अंदर भाजी अंदर दबी तो नमक डालती हूँ। ये भाजी बघारने के लिए एक नारियल ले कहीं, ये तीन मिर्चा भून को रख लियो, ये चार कली लहसुन दाल को ये दर दरा ग्राइंड कर लेना, ये प्याज उसके वास्ते तेल में दाल को तल लेने के वास्ते, ये तलने बाद ये दाल को मिक्स करको भाजी मिक्स करना बघारना। ये तीन मिर्चा, नारल और लहसुन ये दरदरा पीसना है, इसके बताऊंगी। अब ये पीस को दरदरा पीस को निकाल ली, ये चाकने के वास्ते बघारने भाजी। भाजी के साथ दाल भी अच्छा गल गई है, अब अच्छा फुटको गल गई है। अब मैं नमक डाल रही हूँ इसमें और थोड़ा गलना भाजी। एक दो स्पून नमक डाल रही हूँ, भाजी नमक के साथ गली तो अच्छी रहती है, नहीं तो फिक्की हो जाती है। देखे अच्छा गल जा रही। ये एक टेबल स्पून जीरा और एक टीस्पून काली मिर्ची, ये सात लाल मिर्ची लेकर हूँ सारे, ये एक स्पून करेपाक, ये मैं भून लियो ये तीन भी। अब मैं मिर्चा तेल दाल को तल रही, मसाला चार का मसाला रेडी करना है। जीरा काले मिर्चा करेपाक ऐसा च मैं रोस्ट करके रख लिया। अब ये जरा लाल मिर्चा और ये चार का मसाला है, डेढ़ टमाटर, थोड़ा नारियल, आधी प्याज, ये थोड़ा लहसुन, ये इतनी कोथिमीर, ये सभी फ्राई करना है तेल में। वो मिर्चा तल को मैं उधर डाल लियो। अब इसमें लहसुन, प्याज और
नारियल, ये तीन भी डाल दो। अच्छे से ब्राउन रोस्ट करो, भुने जाना अच्छा तेल में। प्याज, लहसुन और नारियल तीनों अच्छे से रोस्ट होगी, भुनको होगा। अब मैं ये निकाल ले रही हूँ। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर भी अच्छे से रोस्ट होना है। अच्छा ऐसे ये भुनेगा, अब इसे ग्राइंड करना है। सब मसाले दाल को ग्राइंड करने के बाद देखेंगे। भाजी गल गई है, अब मैं ये निथार ले रही हूँ। ये चार का पानी निकला हुआ और ये भाजी, भाजी में ये भाजी के साथ दाल थोड़ी, भाजी थोड़ी, ये पीसने के लिए ग्राइंड करना है चार के लिए। ये जो तेल में भुना हुआ मसाला, ये नारियल एक डेढ़, टमाटर, कोथिमीर और प्याज, लहसुन, जीरा, काले मिर्चा, करेपाक, ये भी पूरा डाल के पीस के ग्राइंड किया है। ये दाल भी थोड़ी भाजी डाल के ये भी ग्राइंड कर लिए हैं। और ये भाजी का पानी जो निथरा हुआ, अब ये इमली का खट्टा, मैं इमली का चूर को मैं रख ले रही हूँ। जो मैं इमली भिगने डाली थी वो अच्छा चूर को रख ले रही हूँ, तो उसे कितना खट्टा लगता है देख को डाल लेती हूँ। अब मैं चार बघार रही हूँ। चार बघारने के वास्ते वो भाजी गली थी ना, वो शतल रख लियो, उसमें अब मैं ये राया, ये जीरा, ये प्याज, ये लहसुन, ये करेपाक, मैं इतना बघार में डालने के लिए। अब मैं तेल डालियो, तीन टेबल स्पून होता तेल डालियो। अब उसमें मैं राया, जीरा, प्याज, लहसुन सब डाल दूंगी। राया पक गई, अब इसमें मैं जीरा डालूंगा, प्याज, लहसुन, अब ये करेपाक भी उसमें डाल रही हूँ। अच्छा ब्राउन होना है, गोल्डन ब्राउन मसाला अच्छा तले गए। प्याज, लहसुन, करेपाक, राया, जीरा सभी, अब इसमें मैं मसाला डाल को, ये चार का मसाला जो पीसी हुई थी, ये ये भी अच्छे से भून लेंगे। ये जो भाजी भी दाल पीसा हुआ था वो भी, अब इसमें मैं ये चार का पानी था ना ये पूरा डाल दूं। दाल को इसमें खट्टा चूर को रखी हुई, वो भी जरा निथार को डालती हुई। कम लगा तो और डालने का है, नहीं इताज बस आ गया तो इताज बस। चार अच्छा पक रहा है, अच्छा उबल आ रहा है चार में,
ये इमली का खट्टा इतना बच गया, ये क्या भी वेस्ट नहीं, उठा कर रखे जा। नमक मैं और थोड़ा मैं एक स्पून होता फिर भी लग गया, मैं डाल लियो खट्टा भी जरा लग गया, वो भी डाल रखो इतना खट्टा बचा है। सो आप अपने घरों में आप घरों के मुताबिक कैसा खाती तेज नमक इमली का खट्टा वो देख के डाल ले। चार रेडी है सर्व करने के लिए, अभी भाजी बघारना है। देखिए इतना चार ऐसा अच्छे से बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तेल डाल रही हूँ मैं, आयल दो चम्मच लियो। अब इसमें प्याज डालूंगी भाजी बघारने के लिए। ये राइस ब्रांड ऑयल है, क्या अच्छा होती है फ्राई हो गए, जरा बहुत लाल होना अच्छा नहीं, आधी पकी तो बस। प्याज में अब सौंधी सौंधी स्मेल आना शुरू हो गई है, और थोड़ा पकने के बाद इसमें ये नारियल पीस के रख लिए ना, लहसुन नारियल मिर्ची तो ग्राइंड किया हुआ मसाला दल को इसमें अच्छा फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ दरदरा पिसा हुआ मसाला दल के हूँ, इसे अच्छा मिक्स हुआ मसाला दल के प्याज में मिक्स करना। अब मैं फ्लेम कम करी हूँ, इतना नमक भी डाल दें भाजी में, दाल भाजी गलाने के टाइम पर उसमें नमक डाली थी मैं, और ये मसाला डालने तो ज़रा कम हो जाता भाजी भी अच्छी बना चखने के लिए। अभी अच्छा मिक्स हो गया, इसमें भाजी डाल के मिक्स कर देंगे। आंच कम कर कहूँ मैं स्टोव में, फ्लेम कम करियो। भाजी अच्छे से प्याज और मसाले में अच्छा मिक्स कर रही हूँ, भाजी में रौनक आ गई माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पकी है। थोड़ा दम को छोड़ेंगे, भाजी अच्छे से मिला के मिक्स करके हुआ। अब इसे थोड़ा डंडी से भी मैं मिलाई थी, चम्मच इधर से भी अच्छा मिक्स किया था। अब इसे मैं दम को छोड़ के, भाजी और चार तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू पकवान।